हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई देखिए 14.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्मोल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर रहे हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क करके दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते हुए स्ट्रेट लाइन देखिए ड्रॉ कर दी। आप गले की लंबाई लेंगे तो मैं गले की लंबाई देख लीजिए 10.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 इंच पे मार्क करके बिल्कुल बराबर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब गले की डिज़ाइन का मार्क करेंगे तो पहले हम गले को राउंड नेक की मार्किंग करेंगे। 1 इंच का मार्क करते हुए गले को राउंड में मार्क कर दिया। 1.2 इंच के बराबर में हम देखिए एक मार्क कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से मार्किंग करके बिल्कुल बराबर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे तो जो सेकंड लाइन है उसको कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने गले को अच्छी तरीके से कटिंग कर दिया। अब हम कपड़ा ले लेते हैं ब्लाउज का और इसके भी गले की सेम ऐसे ही कटिंग कर दिए हैं। तो गला दोनों को अच्छे से कट चुका, बराबर में दोनों को फैला लेंगे और एक सिलाई लगा गले की पूरी अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर देते हैं। तो देख लीजिए मैंने गले की बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी स्टिचिंग कर दिया है। अब गले पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसे पलट कर सीधा करने के बाद गले का डिज़ाइन सेम आ जाएगा। तो मैंने पूरे गले पे कट लगा दिया। अब इस ब्लाउज़ के गले को हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो गला पलट कर सीधा हो चुका है। गले पे एक सिलाई लगा के फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए पूरे गले पे फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया। ब्लाउज की हम ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज पे हम एक सिलाई लगा के इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो आप वीडियो में देख लीजिए जिस तरीके से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने पूरे ब्लाउज की अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दिया। नीचे के साइड से हम ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए डबल फोल्ड करते हुए माप लेते हुए हम ट्रक्स की स्टिचिंग कर रहे हैं। इस तरीके से दूसरे साइड से भी ट्रक्स को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर दिया है। हम नीचे के साइड का जो ये फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में इसको जॉइंट करते हुए एक सिलाई लगा के इसकी पूरी हम अच्छे तरीके से स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए कैसे करें, ऐसे स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए नीचे के साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लाउज को स्टिच कर दिया। अब गले पे डिज़ाइन करना है तो ब्लाउज को हम साइड करेंगे और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ली। इसको डबल फोल्ड करके इसकी पतली सी डोरी स्टिच कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने डोरी को स्टिच कर दिया। अब इसको हम पलट कर सीधा करेंगे तो निडल की सहायता से इस पट्टी को हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने डोरी को पलट कर सीधा कर दिया। अब डोरी को हम डिज़ाइन बनाने के लिए 7 इंच की लंबाई पे कट करेंगे। तो देख लीजिए मैंने बराबर में 7 इंच की लंबाई में इसको फोल्ड कर दिया। अब कट करके अलग अलग पार्ट में कर लिए हैं। अब इसका हम डिज़ाइन आपको बना के दिखा रहे हैं। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन बना रही हूँ, इसी तरीके से डिज़ाइन को बना लीजिएगा। ये डिज़ाइन मेरा देखिए एक मैंने अच्छे से आपको इस तरीके से बना के दिखा दिया। ऐसे बना लीजिएगा, नीचे के साइड से इसको स्टिच कर दीजिएगा। तो एक मेरा डिज़ाइन देखिए कंप्लीट। इस तरीके से एक और दिखा देते हैं जिससे आपको ये पूरा डिज़ाइन अच्छे से समझ में आता रहे। जिस तरीके से मैंने आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाया ऐसे बना लीजिएगा। इनको हम साइड करते हैं और मैंने ये कुछ फैब्रिक ले लिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच रखी है। इसको देखिए 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे और नीचे के साइड से स्टिच कर देते हैं। ऐसे हम सभी को बना लेते हैं।
तो मैंने देखे सभी को बना लिया, डिज़ाइन मेरी कंप्लीट है, साइड कर देंगे। और मैंने ये न्यूज़पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करके रखे हैं। अब इसके ऊपर ये गले में से जो अस्तर कटिंग करके निकाला तो उसको बराबर में देखिए रख दिए हैं। अब इसके साइड से पूरा मार्किंग कर देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा कितना न्यूज़पेपर यूज़ करना है डिज़ाइन में। तो मैंने मार्किंग कर दिया, जो 1.2 इंच का था उसका भी इस तरीके से मार्किंग कर दीजिएगा। अब ऐसे मार्क करके बिल्कुल बराबर इसको राउंड नेक की मार्किंग कर लीजिएगा। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं साइड से स्टिचिंग के लिए, अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए अच्छे से इसकी कटिंग कर दिया है। न्यूज़पेपर को बराबर में फैला लेंगे और इसी के ऊपर ये डिज़ाइन जो मैंने बनाई इसको स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देखते ही आपको क्लियर समझ में आ जाए कैसे मैं इस डिज़ाइन को स्टिच करूँ, ऐसे स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो देख लीजिए एक साइड से मैंने ये डिज़ाइन पूरा स्टिचिंग कर दिया है, दूसरे साइड से भी सेम इसी डिज़ाइन के बराबर में रखते हम स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में क्लियर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये डिज़ाइन। तो मैंने देखिए डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरी स्टिचिंग कर दिया है। अब इसके गले पे पाइपन करेंगे। मैंने ये पट्टी ली स्ट्रेचबल है क्योंकि क्रॉस में कटिंग की है। इसको डबल फोल्ड करते हुए साइड से एक सिलाई लगा के इसकी पूरी हम स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने देखिए पाइपन की पट्टी की स्टिचिंग कर दिया, इसको साइड करेंगे। मैंने ये डिज़ाइन ले लिया, अब इसके गले पे बिल्कुल बराबर में इस पट्टी को पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देख लीजिए मैंने पाइपन की पट्टी को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी स्टिचिंग कर दिया। अब इसको राउंड करते गोल करते पाइपन बनाएंगे। तो अच्छे से पतली सी पाइपन बना लीजिएगा और एक सिलाई लगा के पाइपन की पूरी स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने गले पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पाइपन की स्टिचिंग कर दिया। अब जो डिज़ाइन हमने बनाया इसको मैं आपको कम्प्लीटली दोनों को ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। तो निडल की सहायता से दोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से बराबर में स्टिच कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो में डिज़ाइन क्लियर हो रहा हो कैसे मैं दोनों को बराबर करते स्टिचिंग करें, ऐसे निडल की सहायता से स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो एक मेरा स्टिच हो चुका है, इस तरीके से मैं आपको दूसरा भी स्टिच करके दिखा रही हूँ। सेम ऐसे आप पूरा स्टिच कर दीजिएगा जितने भी डिज़ाइन हमारे। तो मैंने पूरे डिज़ाइन को अच्छे से स्टिचिंग कर दिया। अब हम ब्लाउज ज्वाइंट करेंगे। तो ब्लाउज ले लिए हैं, बराबर में बिल्कुल ब्लाउज को रख दीजिएगा डिज़ाइन के और एक सिलाई लगा के ब्लाउज और डिज़ाइन को पूरा स्टिच कर लीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ाइन और ब्लाउज को पूरा स्टिचिंग कर लिया है। अब जो हमने देख लीजिए न्यूज़पेपर यूज़ किया था डिज़ाइन बनाने के लिए, उसको पूरा देखिए कैसे रिमूव कर दीजिएगा। अब मेरी ये डिज़ाइन कंप्लीट है। अब इसके ऊपर जो हमने लूप्स वाली डिज़ाइन बनाई है उसको स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे डिज़ाइन को स्टिच करें लूप्स वाली। सेम इस तरीके से आप भी डिज़ाइन को बराबर करते हुए पूरी स्टिचिंग गले पर कर दीजिएगा। मैंने देखिए पूरे गले पे डिज़ाइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दिया। अब इस पर हम पट्टी स्टिच करेंगे। तो मैंने ये पट्टी ले ली है स्ट्रेचबल है क्योंकि क्रॉस में मैंने इसकी कटिंग कर दिया। अब एक साइड से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और देखिए बिल्कुल कॉर्नर से जहाँ से हमने सिलाई लगा के डिज़ाइन और ब्लाउज को स्टिच किया था वहीं से सिलाई लगा के हम देखिए पट्टी को भी स्टिचिंग करें, ऐसे स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने एक साइड से पट्टी को बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग कर दिया। अब दूसरे साइड से भी अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड करते एक सिलाई लगा के इसकी पूरी अच्छे से स्टिचिंग कर लेते हैं।
तो देख लीजिए मैंने दोनों साइड से पट्टी को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर दिया। अब जो हमने लूप्स बनाए इस लूप्स को हमें डेकोरेट करना है। तो लूप्स की डेकोरेशन के लिए मैंने देख लीजिए मोती ले लिए, मोती गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती ले लीजिएगा और निडल की सहायता से लूप्स के बिल्कुल मिड से मोती को पूरा स्टिच कर दीजिएगा। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कैसे मैं मोती को लूप्स के मिड से स्टिच कर रही हूँ, ऐसे पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा जितने भी लूप्स बने हुए हैं। तो मैंने देखी कम्प्लीटली पूरा लूप्स और मोती को अच्छे से स्टिचिंग कर दिया है। मेरी ये डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।